फैक्टर्स मतलब किस किसकी टेबल में वो नंबर आता है या किस किसकी टेबल से वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा 4 and 3, 4 3s are 12 होते हैं और 3 4s are 12 होते हैं, तो ये 4 और 3 दोनों क्या है, फैक्टर्स हैं 12 के। अब इसमें ये तो हो गए फैक्टर्स 4 और 3, ये जो 12 है ये मल्टीपल है, क्या है ये मल्टीपल, 4 और 3 का मल्टीपल क्या है ये 12 है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 7 4 28, ये होता है हमारा 7 2 4 करने पर कितना आता है 28, तो ये 28 क्या है हमारा, 28 जो है वो 7 और 4 का मल्टीपल है। ओके, और ये 7 और 4 दोनों क्या है, ये 7 एक फैक्टर है और 4 भी एक फैक्टर है, किसका 28 का, 7 4 28 और 4 7 भी कितने होते हैं 28, तो 7 और 4 दोनों क्या हो गए फैक्टर हो गए 28 के। एक और बार देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, ये 4 और 3 फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी टेबल में आते हैं या जिससे वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, जैसे हमारा नंबर है 240, अब इसका एक फैक्टर हमारा जो है वो 2 भी होगा, कैसे होगा, 240 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और कितने टाइम्स में होगा 120 टाइम्स में, 2 × 120 कितना हो गया हमारा 240, तो 240 क्या हो गया हमारा मल्टीपल हो गया 2 और 120 का, 2 और 120 दोनों का मल्टीपल हो गया 240 और 240 के ये फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर हो गया 2 और एक फैक्टर हो गया 120, 2 × 120 कितना है 240 और 120 × 2 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा हमारा 240, तो दो फैक्टर्स बन गए 240 के और इन दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या आएगा हमारा 240। ओके, इसके बाद हम फैक्टर्स के कुछ रूल्स और प्रॉपर्टी देखते हैं। फैक्टर अगर हमें 12 का निकालना है तो फैक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक तो 1 जो है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 जो है सभी का नंबर, सभी नंबर्स का फैक्टर होता है 1 और है। इसके बाद इटसेल्फ, सभी नंबर खुद के टेबल में भी आते हैं, सभी नंबर खुद के टेबल में भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 है, 12 का जब है ये खुद के टेबल में भी आता है, तो कोई भी नंबर उसका खुद का भी फैक्टर होता है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी है कोई भी दो मल्टीपल है जैसे 2 6 12, तो ये दोनों जो नंबर्स हैं जो उनके मल्टीपल है ये दोनों ही नंबर्स क्या है इसके फैक्टर्स हैं। ओके, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे हम 12 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 12 के जितने भी ये नंबर्स आएंगे ये फिक्स हैं, इतने ही फैक्टर होते हैं हमेशा। ओके, सो हम 12 के फैक्टर निकालते हैं, 12 एक तो हमारा मल्टी टेबल में आता है 1 और एक वो खुद की टेबल में आता है, तो 1 और 12 ये दो फैक्टर तो हो गए। इसके बाद हमने 2 का टेबल देखा, 2 की टेबल में 12 आता है, हाँ 12 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 की टेबल में भी आ गया, फिर उसके बाद एक फैक्टर क्या हो गया 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, उसके बाद 5 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है, 6 की टेबल देखी 6 से हो रहा है, 7 से नहीं, ऐसे ही करके हमें देखना है मुझे उसके फैक्टर्स आ जाते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या आते हैं 1 2 3 4 6, 12 के फिक्स फैक्टर है, 12 के इतने ही फैक्टर होते हैं। और एक और तरीका क्या है, 12 का जो है 12 हमने देखा 12 वन से कितना आ रहा है 12, तो 12 के दो फैक्टर हो गए 12 और 1, ये दो हो गए। इसके बाद 2 6 12 होता है, 2 6 12 होता है, तो एक फैक्टर 2 हो गया और एक फैक्टर 6 हो गया, ये आ गया हमारा एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 6, फिर होता है 3 4 12, तो एक फैक्टर हमारा 3 आ गया और एक फैक्टर हमारा कौन सा आ गया 4, ये हो गया 3 और 4। सो फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई भी दो नंबर्स का जो मल्टीपल है, इसके बाद ये जो है फैक्टर्स होते हैं जो मल्टीपल वाले नंबर्स हैं, और मल्टीपल्स क्या होते हैं किसी भी दो नंबर्स का मल्टीपल। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं। फर्स्ट है हमारा 24, 24 का हम देखते हैं कोई भी नंबर वो 1 की टेबल और 2 की टेबल में आता ही है, क्या हो गया 1 24 24। इसके बाद 2 से डिवाइड करके देखेंगे इसे, तो 2 से हो रहा है हमारा 12 आ गया, 12 से कितना हो गया 24, फिर 3 से किया 3 8 24 होता है, 3 की टेबल में भी आ रहा है 3 8 24। इसके बाद 4 की टेबल में देखा 4 6
सभी जो नंबर्स हैं अपने खुद की टेबल में तो आते ही हैं, ओके। सो ये क्या 24 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। कैसे लिखना है हमें फैक्टर्स ऑफ 24 आर, कौन कौन से हुए? ये सभी नंबर्स और ये सभी नंबर्स, ये निकलते हैं हमारे फैक्टर्स। अब इन्हें हम लाइन से लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके बाद कौन सा है 6 8 12 और 24, 6 8 12 और 24। 24 के हमारे फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर भी क्या है 15, कोई भी नंबर है वन की टेबल में तो आता है, वन से स्टार्ट करेंगे। वन को 15 से किया, 1 15 15, उसके बाद 2 की टेबल में देखा 52 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 की टेबल से देखा हो रहा है, कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में, 3 5 15। उसके बाद 4 की टेबल से भी नहीं हो रहा, 5 की टेबल से हो रहा है, 5 3 15। हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 5 3 15, 6 7 8, ऐसे ही करके 15 की टेबल तक देखना है। फिर उसके बाद कैसे होगा, 15 की टेबल में आ रहा है 15 5 15, तो 15 के हमें फैक्टर्स कौन से मिल गए? 1 3 5 और 15। इसे कैसे लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 15 आर, 1 3 5 और 15, 1 3 5 15, ओके। क्या करना था हमें, इनके फैक्टर्स निकाल रहे थे हमने, इनके मल्टीपल किए, देखा किस किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। ये जो दो नंबर होते हैं ये दोनों नंबर ही फैक्टर्स होते हैं। ये 24 क्या है? 1 और 24 का मल्टीपल है, और ये जो दोनों नंबर है 1 और 24 ये दोनों क्या है? फैक्टर्स है। ऐसे ही करके हमें बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, ओके ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनके मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स यानी मल्टीप्लाई करके, 5 के 5 मल्टीपल्स क्या होता है? 5 1 5, 2 10, 5 3 15, 5 4 20 और 5 5 25। कितने निकाल रहे थे? 5 मल्टीपल्स निकाल रहे थे, ये हो गए 5। आंसर क्या आ रहा है हमारा? 5 10 15 20 25, ये हो गए हमारे 5 मल्टीपल्स उसके 5 के। सेम ऐसे हमें नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट हमें 8 के 5 मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। 8 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 8 1 8 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। तो हमारे 8 के 5 मल्टीपल्स कौन से हो गए? 8 16 24 32 40। 5 मल्टीपल्स में हमें इनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। इसमें हमें क्या करना है, 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं सिर्फ 100 तक। स्टार्ट करते हैं 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। इसके बाद हमने 9 11 करेंगे तो आएगा हमारा 99। फिर 9 12 करेंगे तो वैल्यू हमारी 100 से बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें मल्टीपल्स कहाँ तक चाहिए? सिर्फ ओनली 100 नंबर्स तक। तो 9 के हमारे मल्टीपल्स कौन से आ गए? ये हमारे 11 मल्टीपल्स आ गए 9 के। 100 से आगे के वही निकालने थे, सिर्फ 99 के बाद 100। नेक्स्ट नंबर जो आता वो हमारा कौन सा आएगा? 108 आएगा। 9 10 2 जब हम 12 में करेंगे तो 108 आएगा, लेकिन हमें सिर्फ 100 तक के नंबर चाहिए, तो हम यहाँ तक लेंगे। तो ये क्या होगा, 11 मल्टीपल्स हो गए हमारे 9 के अप टू 100, ओके। सो स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 आज कंप्लीट हो गई। आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2